नमस्कार, दम घोटो दिल्ली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आदर्श तिवारी। दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुट रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह से शाम तक और देर रात तक धुएं और धुंध का गुब्बार छाया हुआ है। लोगों के लिए इस समय दिल्ली एनसीआर में गैस चैम्बर बन गया है, और ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है और कौन इससे निजात दिलाएगा, ये देखना होगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दम घोटू राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बच्चे हैं तो आप सांस की बीमारी से पीड़ित रहने के लिए तैयार हो जाइए। और या तो यूं समझ लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में आपसे खुले में सांस लेने का हक छीन लिया गया है। देश का विकास तेजी से हो या ना हो, लेकिन प्रदूषण का विकास तेजी से हो रहा है, और आपके स्वास्थ्य की गारंटी आखिरकार लेगा कौन? अगर आप राष्ट्रपति भवन से देखेंगे तो आपको इंडिया गेट नहीं दिखाई देगा। ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी यही था, जब स्मॉग के बारे में किसी ने इतनी चर्चा नहीं की। लास्ट वीक भी हम सैटरडे संडे हर वीक आते हैं, तो उसमें भी आपको राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट या इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई देगा। तो सेम है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं अगर उनको इंडिया गेट रोज़ दिखाई दे तो समझ लीजिए वेदर अच्छा है, नहीं दिखाई दे पा रहा तो वेदर ख़राब है। मैं कहता हूँ द गवर्न और द गवर्नमेंट दोनों की ही एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, क्योंकि सत्ता में विराजमान रहनुमाओं को तो इस प्रचंड धुंध में भी अपनी राजनीति स्पष्ट दिखाई देती है। देश की सेहत का ख्याल रखने वाले डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था आईएमए ने इसे मेडिकल इमरजेंसी के हालात बताए हैं, लेकिन नड्डा साहब तो हिमाचल के चुनाव में अपनी पार्टी की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। देश की संतनत और मोदी सरकार के एक और नगीने डॉक्टर हर्षवर्धन गोवा की सैर पर निकले हुए हैं, और ऐसे में लंबे समय बाद दिल्ली के सुल्तान केजरीवाल साहब के मुंह से मफलर हटा तो इस प्रचंड धुंध से निपटने के लिए ऑड इवन का झुंझुना पकड़ा दिया। केजरीवाल साहब, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान वाली बात हुई। जो आज का मेन ऑर्डर है उसका जो हाईलाइट ये है कि जो ऑड इवन स्कीम है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी अगर पीएम 2.10 लेवल 500 से ऊपर और पीएम 2.5 300 से ऊपर जाता है, 48 आवर्स के अंदर अंदर मॉनिटर करके उसे ऑड इवन स्कीम को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करना होगा। इस बार कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई वुमेन विद चाइल्ड, वुमेन किसी तरह की कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। ये सब पर लागू होगा, वीआईपीस पर भी लागू होगा जहां तक का ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये कहा ओनली 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 इमरजेंसी व्हीकल। और जब एनजीटी ने दिल्ली हरियाणा पंजाब के मुखियाओं को फटकार लगाई तो सब अपनी टोपी दूसरे के सर पर पहनाते दिखे। अरविंद केजरीवाल बढ़ते प्रदूषण का कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना बता रहे हैं। अब केजरीवाल साहब से कोई पूछे कि आग जलाने पर ही आपको कुआं खोदने की याद क्यों आती है? जब तक क्रॉप बर्निंग का समाधान नहीं निकाला जाएगा, जो हर साल इस एक महीने के अंदर होता ही होता है, एक महीने के लिए हमारा दिल्ली पूरा दिल्ली उत्तर भारत गैस चैम्बर बन जाता है, जब तक इसका समाधान नहीं निकालेंगे इस समस्या का तब तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं वक्त रहते पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से आपने बात कर ली? अरविंद केजरीवाल किस मुंह से पराली जलाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के पंजाब संयोजक और पंजाब में नेता विपक्ष सुखपाल खेरा खुद खेतों में पराली जलाते हुए नजर आते हैं। वैसे तो केजरीवाल मानते हैं कि पराली जलाना दिल्ली एनसीआर के लिए जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के नेता पराली जलाते नजर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल में जुट जाते हैं। दिल्ली के रहनुमाओं का तो हाल आपने देख लिया, अब हरियाणा के खट्टर सरकार की बेबसी भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने पराली को ना जलाने की अपील अपने राज्यों के किसानों से कर ली है और अपनी जिम्मेदारी भी निभा दी। अरे जनाब, ये चुनाव का वक्त नहीं है, अपील नहीं एक्शन करिए, सख्त कदम उठाइए। अब रहा सवाल पंजाब का तो राजधानी दिल्ली की फिक्र कौन करे? पराली जलती है तो जलने दो, देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील होती है तो होने दो। ये हरियाणा पंजाब में पराली नहीं, दिल्ली वालों का कलेजा फूक रहा है। और ऐसे में जनता अपनी फरियाद लेकर जाए तो जाए कहां, क्योंकि इन हुक्मरानों को तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से ही मतलब है।
एनजीटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद भी सत्तासीनों पर कोई असर नहीं दिखाई देता। एनजीटी की चेतावनी को ताक पर रख दिया गया है और अब तो सरकारें इस धुंध के छटने का इंतजार कर रही है और जनता की बदहाल जिंदगी का लुत्फ उठा रही है। और इस जहरीली धुंध में सांसों की धोखनी चलाते लोगों को हुक्मरानों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनसी न्यूज। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्वा जी, जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। जानने की कोशिश करते हैं अपूर्वा जी, पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपूर्वा जी, जो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते धुंध और बढ़ते प्रदूषण का कारण क्या है और अचानक से ये जो धुंध बढ़ी है इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए आदर्श जी, जो ये 7 नवंबर को जो अचानक से पॉल्यूशन लेवल एक खतरनाक स्तर पे जा गए थे, 1200 के करीब हो गए थे, जो आपका PM 2.5 और PM 10 से हम नापते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 से हम नापते हैं कि कितना पॉल्यूशन स्तर है। तो 7 नवंबर को जो स्तर आपका 60 से 100 के बीच में होना चाहिए था, ये 1200 के ऊपर जा चला गया था। और दिल्ली जो अभी आपका गैस चैम्बर में जो बदला है, इसका हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ हुई है ये मैन मेड डिजास्टर है। अभी तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसके हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी टाइम में नवंबर की शुरुआत में ही, अगर हमको याद होगा तो नवंबर की शुरुआत में ही स्मॉग दिल्ली में पूरा एक स्मॉग का ब्लैंकेट था, वो उसने एनवलप कर लिया था। और अभी ये फिर हुआ है 7 नवंबर को। इसका अगर आप कारण पूछें तो एक कारण इसका सिंपल सा ये है कि जो अभी वेदर कंडीशन है, हमारे ईस्ट इंडिया से जो विंड्स चल रही हैं उसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी है, और पंजाब और हरियाणा में जो क्रॉप बर्निंग, जो खारिफ के पहले जो क्रॉप बर्निंग होती है, उससे वहाँ का पॉल्यूटेंट एयर और ईस्ट इंडिया का मॉइस्चर लेवल, जो मॉइस्चर एयर जो आया है, उसने मिलके यहाँ को एकदम स्टैग्नेंट एयर कर ली है। और यहाँ के जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, PM जिनको हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एयर में है हमारे। जी बिल्कुल, इस कारण से ही आजकल जो धुंध बढ़ रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों को, दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन किया था, पटाखा बैन करने से आपको कुछ लग रहा है कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आया है पिछले साल के मुताबिक और इस साल के मुताबिक? देखिए आदर्श, पिछली बार भी जो लेवल्स थे पॉल्यूशन के वो डेंजरस स्तर पे थे, क्राइसिस जो है बहुत बड़ी हो गई है। आप ये सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये क्रैकर बैन नहीं करता तो ये स्तर और किस लेवल पे होते, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो अभी मैंने एक पहले वर्ड यूज किया कि इट्स अ मैन मेड डिजास्टर, इसके लिए सिर्फ हम और सरकार की गवर्नेंस क्राइसिस ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और सिर्फ गवर्नमेंट क्राइसिस नहीं, सिर्फ हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जाहिर सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रैकर बैन किया उसका इफेक्टिव बिल्कुल हुआ है, वरना हालत और डेडली लेवल पे होते और ज्यादा दिक्कतें होती हैं आपके इस टाइम पे। 750 से ज्यादा आज आनंद विहार के 2.5 की बात करें तो 750 से ज्यादा है। इसमें दिल्ली सरकार ने अभी ऑड इवन लाने का फिर से फैसला किया है। अगर ऑड इवन की बात करें तो पहली बार जीत हुई थी ऑड इवन की, उसके बाद दूसरी बार जो रहा था फ्लॉप रहा था, और इस बार आपको क्या लगता है कि ऑड इवन सिर्फ ऑड इवन काफी रहेगा इस बार की दिल्ली और एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए, और क्या इस ऑड इवन का कुछ फायदा मिलने वाला है? देखिए आदर्श जी, पहले हम ऑड इवन की बात करें, उससे पहले हम इस बारे में पहले बात करेंगे कि पीएम एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल, पीएम अगर आप देखें तो पीएम होता है एयर में पार्टिकल्स कितने हैं, ये आपके एक आपका डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स कितने हैं वो हैं। ये सिर्फ आपके डस्ट पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, जो आपके दिल्ली एनसीआर में जो आपके इंडस्ट्रियल बॉयलर्स और फर्नेस है, जो वहाँ से भी जो स्मोक इमिट हो रही है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट जो खोद के जो रुके हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं, अभी स्टैग्नेंट है, वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल डस्ट निकल रही है, जो आपका कार दिल्ली में, अगर आपको मैं बताऊँ तो 10 मिलियन से ज़्यादा कारें जिस वक्त दिल्ली में हैं। और हमें इस वक्त ये सोचना है कि हमें अपने को कैसे नेचुरल गैस में कैसे शिफ्ट करना है, एनर्जी को कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। जो अभी हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम पेटकोक बहुत ज़्यादा दिल्ली में यूज़ हो रहा है, और अगर आपको मैं बताऊं तो पेटकोक जो होता है ये सबसे लोअर लेवल पे होता है पेटकोक, अगर उसके स्टाटा की बात करें, एनर्जी स्टाटा की, सबसे लोअर लेवल पे पेटकोक होता है। और अभी, और अगर आपको बताऊं तो अमेरिका ने पेटकोक के यूज को बैन कर दिया था, चाइना ने भी पेटकोक पे पहले इंपोर्ट कर रहा था, बट उन्होंने
इसको भी चाइना भी अब इम्पोर्ट नहीं कर रहा, और इंडिया में हम पेटकोक को अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने 14 मिलियन टन पेटकोक इम्पोर्ट किया है जो हम अपने फर्नेस और बॉयलर्स में डाल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि 14 मिलियन टन जो हमारे डोमेस्टिक यूज से भी ज्यादा है, वो कितना पॉल्यूटेंट एयर में मिल रहा है, और 10 मिलियन गाड़ी हमारी जो दिल्ली में चल रही है उसका कितना पॉल्यूशन हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है ही नहीं कि हमें डस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी अगर हम आपका गार्बेज क्लीनिंग की बात करें या कैसे हमें क्लीन करना है, तो अभी भी सबसे जो आसान तरीका होता है कि हम अपने गार्बेज को बर्न कर दे रहे हैं, कहीं भी धूल धक्कड़ हुआ कुछ भी गार्बेज निकला बर्न कर दो, बर्निंग से भी बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंच रहा है। और इवन जो अभी सरकार ने लागू किया है इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव इस स्टेज पे नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें चाहिए कि अगर हमें स्मॉग से निपटना है तो हमें इस पे चौतरफा वार करना होगा, हमें अपने को नेचुरल गैस में शिफ्ट करना होगा, हमें पेटकोक का यूज को एकदम बंद करना पड़ेगा। अगर हम ऑड इवन की बात कर रहे हैं तो हमें लोगों की कंफर्टेबल कंफर्ट लेवल को भी देखना होगा कि वो कितना कंफर्टेबल है इस ऑड इवन से, क्योंकि हमें अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर करना होगा। दिल्ली में लास्ट ईयर से अब तक 24% जो आपके पब्लिक व्हीकल्स हैं उसमें कमी आई है। आप खुद सोचिए कि अगर आप ऑड इवन को हमें सपोर्ट करना है, इंकरेज करना है, कार पूल की हम बात कर रहे हैं आजकल उसमें करना है, तो हमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना होगा जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ नेचुरल गैस पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको ये बताया कि 10 मिलियन गाड़ी हमारे पे है, तकरीबन ये डाटा इससे ज्यादा भी हो सकती है, 10 मिलियन गाड़ियां कम से कम दिल्ली में इस वक्त अप्लाई कर रही हैं, तो इन 10 मिलियन गाड़ी पे भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा अभी BS4 की हम कर रहे हैं, BS4 व्हीकल्स को अभी हमने किया है, BS अभी और भी आने वाले हैं, 2020 तक BS6 की भी बात आएगी, लेकिन हमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को भी एक हमें कैप लगाना होगा। यानी सिर्फ ओड इवेंट से सरकार यानी सिर्फ ओड इवेंट से दिल्ली NCR के लोगों को प्रदूषण और धुंध से निजात नहीं मिलने वाली है, इसके लिए सरकार को लॉन्ग टर्म उपाय देखने पड़ेंगे कि भविष्य में भी इससे कैसे निपटा जाए। फिलहाल अपूर्व जी हमारे कुछ संवाददाता सीधा जुड़ चुके हैं हमसे, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शिवम का, जो इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पे। शिवम, वहां के क्या हालात बने हुए हैं, और नोएडा एक्सप्रेसवे पे जैसे हम आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि पूरे धुंध छाई हुई है, तो वहां किस तरीके के हालात पैदा हो रखे हैं? जी आदर्श जी, तो आप देख सकते हैं हम अक्षरधाम पे बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हैं, हमसे 50 मीटर की दूरी पे अक्षरधाम है, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं इतनी धुंध छाई हुई है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो गई है, और ये अक्षरधाम के सामने रोड जाता है, इस रोड पे गाड़ियों का अंबाल लगा रहता था, जाम लगा रहता था, लेकिन यहाँ पर भी गाड़ियों की रफ्तार कम हो चुकी है और काफ़ी कम मात्रा में गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। पॉल्यूशन रेट 7 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, और दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि ऑड इवन दोबारा आएगा, और मोबाइल तकनीक के द्वारा आपको ये सब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह धुंध छाई है, विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का आपने हाल देखा कि किस तरह से वहाँ धुंध छाई हुई है और चारों तरफ विजिबिलिटी लेवल काफी कम है। इसके अलावा आप सीधा रुख करते हैं लवनीत घाला को, जो इस वक्त प्रीत विहार पे मौजूद है। लवनीत, आप इस वक्त प्रीत विहार पे मौजूद है, और वहां किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जी आदर्श, जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रीत विहार न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं लोग, एंड पोल्यूशन बहुत है, और यहाँ 50 मीटर की दूरी के बाद गाड़ियाँ जैसे गायब ही हो रही हैं, एंड पूरा जाम लग चुका है। तो सीधा रुक करते हैं अपने तीसरे संवाददाता का, जो इस वक्त करनाल बाईपास पे मौजूद हैं। कुसुम जी, ये बताइए कि करनाल बाईपास पे किस तरीके के हालात हैं और वहां पे लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी आदर्श, बिल्कुल, मैं इस वक्त करनाल बाईपास पर खड़ी हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों ओर धुंध ही धुंध नजर आ रही है। घड़ी में लगभग अभी 2 बज चुके हैं और कहीं भी सूर्य देवता दिखाई नजर नहीं आ रहे हैं, चारों ओर धुंध ही छाई हुई है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन जरूर लगाया था, लेकिन उस बैन का कोई भी असर या नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदूषण लगातार फैलता ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपूर्वा जी आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, और इस चर्चा में आपने काफी कुछ हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एनसी न्यूज़।